कानपुर में विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब फिर सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी से लेकर एमपी तक इस एनकाउंटर पर सवाल उठ गए हैं और इन सवालों का जवाब भी अब दिया गया है। तो विकास दुबे के एनकाउंटर पर अब सियासत गरमाई है। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए और लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि ऐसे अपराधी का अंत यही होना था, मगर दिग्विजय सिंह ने कहा कि विकास दुबे के किन नेताओं और अधिकारियों उसके साथ संपर्क थे अब ये राज कभी नहीं खुल पाएंगे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि यूपी सरकार के पलटने का डर था और इसी वजह से एनकाउंटर कर दिया गया। तो ये दिग्विजय सिंह का आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, उन्होंने भी इस पूरे एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े किए हैं। ये पता लगाना आवश्यक है कि विकास दुबे ने मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर को सरेंडर के लिए आखिर क्यों चुना, मध्य प्रदेश के कौन से प्रभावशाली व्यक्ति के भरोसे वो यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर से बचने आए थे। तो कई सवाल उन्होंने यहाँ पे खड़े किए। मुझे तो एक आशंका इसकी पहले से ही थी, क्योंकि इसके पास जो राज थे, कौन कौन राजनीतिक हस्तियां इससे जुड़ी हुई थी, कौन कौन पुलिस के बड़े अधिकारी कर्मचारी पुलिसकर्मी इससे मिले हुए थे, शासकीय अधिकारी कौन मिले हुए थे, इन सब चीज़ों की का खुलासा होता। खैर, ऐसे अपराधी का हर्ष तो होना था, यही हो। ये पूरा मामला संदिग्ध है और मध्य प्रदेश की पुलिस इतनी कमज़ोर नहीं है कि 1000 किलोमीटर आ जाए और उसको कोई चेक नहीं कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत थी उसको बचाने की, उसको शरण देने की और बाद में उसको सरेंडर करा के उत्तर प्रदेश की पुलिस को देने की, और सरेंडर में उसको कोर्ट नहीं ले गए, सीधे पुलिस को दे दिया, जबकि नियम है कि कोर्ट में ले जाके कोर्ट से उसको सुपुर्द किया जाना था, सीबीआई की जांच करे। और ये हम ही नहीं कह रहे हैं, उस 8 शहीदों के परिवार भी कह रहे हैं। एक बात जो पूरे घटनाक्रम के पीछे रह जाती है कि वो कौन सफ़ेद पोश हैं जो योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में इसके तार जुड़े हुए थे। क्या इसके पीछे इस तरह की भावना तो नहीं कि इस इनकाउंटर को इतनी जल्दी करने के पीछे सफ़ेद पोशों को बचाना हो? कार पलटी है, सरकार न पलटे, इसका डर तो नहीं था?